दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज इंदिरा फेलोशिप यानी कि शक्ति अभियान की शुरुआत की है, यानी कि राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश इस अभियान की रहेगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ जो कि मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रही हैं उन्हें जोड़ने के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है, या फिर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए इस अभियान की शुरुआत हो गई है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस हमेशा से जो महिलाओं का ना सिर्फ सम्मान करती आई है बल्कि उनको उचित प्रतिनिधित्व देने का भी काम लगातार करती रही है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि देश की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री देने का काम कांग्रेस ने किया, देश के पहले राष्ट्रपति देने का काम कांग्रेस ने किया, देश की पहली स्पीकर देने का काम कांग्रेस ने किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि 15 साल दिल्ली की राजनीति में एक मुख्य भूमिका निभाने वाली, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाली आदरणीय शीला जी को मौका दिया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको सुदृढ़ कर सके, उसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में वो बना सके, वो मौका भी कांग्रेस ने दिया। तो हमेशा से कांग्रेस इस बात को ये ध्यान में रखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जहाँ मौका दिया जा सके। इस अभियान के तहत, शक्ति अभियान के तहत, इंदिरा फेलोशिप के तहत हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो यंग महिलाएँ हैं उनको अर्ली एज पर ही ना सिर्फ उनको राजनीति की तरफ प्रेरित किया जा सके बल्कि उनको प्रोत्साहित भी किया जाए और साथ के साथ उनको ट्रेन भी किया जाए। देवेंद्र जी, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने जानकारी दी, जो फेलोशिप है वो करीबन एक साल से ज़्यादा वक्त हो गया तब से दी जा रही है, अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या कहता है, कितने लोगों को, कितनी खासकर महिलाओं को मौका आपके द्वारा इस फेलोशिप से फ़ायदा पहुँचा है? मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इंदिरा फेलोशिप के तहत जिन महिलाओं ने अपने आप को एम्पावर किया, क्योंकि ये नेशन वाइड एक कार्यक्रम रहा है, और मुझे आज खुशी है कि इंदिरा फेलोशिप के थ्रू होते हुए पार्लियामेंट में पहुंचने का भी हमारी कांग्रेस की महिला ने काम किया है। तो लगातार हम लोकल लेवल पर, हम स्टेट लेवल पर, हम नेशनल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके और उनको अपने हकों की लड़ाई जो है वो मजबूती के साथ लड़ने का मौका मिल सके। अभी कितनी महिलाएं आपके साथ इस फेलोशिप के थ्रू जुड़ी हुई हैं? ये डिटेल सिफवा जी बेहतर बता पाएंगी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये एक सफल हमारा प्रयोग रहा है। और जैसे मैंने कहा कि चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में, मौका हमने इंदिरा फेलोशिप के तहत देने का काम किया। कैसे मौका दिया जाता है और कैसे फायदा पहुंचाया जाता है, क्या इसमें फेलोशिप में जो राशि है वो भी दी जाती है, उन्हें इकोनॉमिकल बेनिफिट भी दिया जाता है? देखिए, हमारी ये कोशिश रहती है कि महिलाओं को अगर किसी भी व्यक्ति को उसका हक दिलाने की ज़रूरत है तो उसको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस का प्रोग्राम के साथ साथ उनको ट्रेनिंग का कार्यक्रम इस फेलोशिप के द्वारा किया जाता है। तो निश्चित ही जब किसी व्यक्ति को वो इतना एनलाइटेंड होगा कि उसके हक क्या हैं, उसको कहां से क्या चीज़ उपलब्ध हो सकती है, वो सारी सुविधाएं देने का काम इंदिरा फेलोशिप के तहत किया जाता है। और छोटे छोटे ग्रुप्स बना कर उनको वर्किंग, उनको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, वो सारी जानकारी इस फेलोशिप के तहत दी जाती है। एक नंबर भी आपने शुरू किया है जिस पर मिस्ड कॉल देकर इस अभियान से जुड़ा जा सकता है, तो हमारे दर्शकों को वो नंबर ज़रूर बताइए। हाँ, निश्चित ही जो भी महिला शक्ति अभियान और इंदिरा फेलोशिप से जुड़ना चाहती है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ 8860712345। दोबारा रिपीट करता हूँ 8860712345। तो देखिए, शक्ति अभियान जिसकी शुरुआत दिल्ली कांग्रेस ने कर दी है, यही कहना है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारी महिलाएं इसमें अब तक जुड़ गई हैं, सशक्तिकरण लगातार किया जा रहा है और आगे भी इसी तरह से किया जाएगा। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will
have the last laugh. Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. Haryana mein maujood hai hum is waqt. Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.